खरगोन जिले के गोगांव के समीप मोहम्मदपुर में उद्वहन सिंचाई पाइपलाइन फटने से खेत जलमग्न हो गए और फसलें चौपट हो गई। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन का काम अधूरा था, उसके बावजूद पानी छोड़ने से घटना घटित हुई है, जिसमें 10 से 12 किसानों की फसल चौपट हो गई और हड़कंप मच गया। इस दौरान पीड़ित किसानों ने प्रशासन से मुआवजा की गुहार लगाई है, जबकि NVDA अधिकारी ने सर्वे करके मुआवजा राशि दिलाने की बात कही है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। फूटी थी है ना, जिससे किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। कपास की फसल में बहुत पानी बह गया है, मिर्ची के खेतों में भी बहुत, मिर्ची की फसल में भी पानी गया है, मिर्ची की फसल में पूरा पानी हो गया है। किसानों के जो कपास के खेत थे उनमें से पानी बहुत बहा है और आसपास खेतों में पूरा पानी भर गया है, तो जिससे फसल बहुत नुकसान। कम से कम 10 से 12 किसानों के खेतों में पानी भरा हुआ है। पानी से पाइपलाइन फूटी थी, ये कुछ प्लेट का बता रहे हैं कि वहाँ पर कुछ पाइपलाइन की प्लेट के वजह से वहाँ पर बहुत सारा पानी का एकदम पूरा लीकेज हो गया वहाँ पर। क्या चाहते हो आप सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि जो किसानों का नुकसान हुआ उसका भरपाई करें। क्या नाम लिखते हैं? प्रवीण चौहान। मोहम्मदपुर के पास एक नहर फूटी है जिससे किसानों के खेत में पानी भर गया, क्या कहेंगे कैसे फूटी है? हमारी एक ग्रेविटी मैन है पिपरी तालाब को भरने के लिए, आयरखेड़ा से पंप हाउस से वहाँ से पानी लिफ्ट होता है, वो पिपरी तालाब को भरते हैं, तो उसकी ग्रेविटी मैन 2 है, तो अभी तो उसका अंडर काम चल रहा है, रिपेयर का काम चल रहा है, कम्प्लीट हुई नहीं है। अभी बीच में गर्मी की वजह से पानी, बारिश कम हुई, किसानों की मांग थी, बार बार मांग थी कि भाई पानी दिया जाए, इस वजह से उसको इनकम्प्लीट स्थिति में ही उसमें पानी चलाना पड़ा। तो वो डमी प्लेट लगी हुई, जहाँ से वो डमी प्लेट खोल के रिपेयर काम किया जाता है, मरम्मत कार्य, वो डमी प्लेट वेल्डिंग उसकी उखड़ गई वहाँ से प्रेशर में। तो सर कई खेत जलमग्न हो गए, फसलें भी खराब हुई है, किसान परेशान है, तो अब वो जलमग्न का हम आकलन करवाते, जो भी किसानों की फसलें अगर नुकसान हुई है तो आकलन करवा के ना उनको जो भी होगी उचित उसका हम करवाएं। सर ऐसा हर साल होता है, पिछले साल भी एक किसान की भी मौत हुई थी इस मामले में, प्लेट खोलने के चक्कर में उसकी भी मौत हो गई थी। वो मेरे वो उसमें नहीं था सेक्शन में, वो मेरे को आइडिया नहीं उसका, वो लल्ली के पास क्या बात करें ना। जी जी हाँ, तो वो अब वो तो प्रेशर से पाइपलाइन चलती, कोई उसमें बीच में खोला खाली करेगा वो तो प्रेशराइज पाइपलाइन रहती है, ऐसे बिना इसके छेड़ेंगे तो उसका नुकसान हो जाता। ये अभी जो फूटी है कहाँ पे फूटी है सर? ये मोहम्मदपुर के पास, मोहम्मदपुर में। तो किसानों को मुआवजा मिलेगा इसमें? वो तो आकलन करवाएंगे, नुकसान हुआ तो इनके तो करवाएंगे उनसे। क्या नाम लिखते हैं सर पूरा? मैं कैलाश सिंह रावत जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।